यह टीम है भाई बजरंग क्लब नुकेरा वर्सेस ये विपक्षी टीम है जी सिंहपुरा। क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। दोनों टीमें राजस्थान की टीम है बजरंग क्लब। ये जहाँ से अच्छी स्थिति है करे मरे का दो एंड डाई करे या मरे बहुते कांटे का मुकाबला है। सिंह रावर सिंह नुकेरा बजरंग बुली के मुकाबले में चलता हुआ आजो जी बैठो जी। इस मैच के बाद गणेशगढ़ वर्सेस बालक गणेशगढ़ वर्सेस बालक टीमें कोर्ट पर आ जाए उन्हीं के का आखिरी मुकाबला होगा। बाबा साइड हो जाओ मेरे कंटे लगाए
नॉकआउट मैच है तेरे अमृत स्थिति जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। वाह जी वाह, क्या बोल रहे हो, जरा जीत लो सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। नेशनल 60 किलो वेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले बीच के लाइन में चलते हैं। दर्शकों की उम्र भीड़ सभी दर्शकों को यहाँ पहुंचने पर टीम वॉलंटियर और कमेटी मेंबर की तरफ से सभी का मोस्ट वेलकम किया जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति स्टेज के विराजमान सभी का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने अपना टीम को सेवा निकाला। बहुत ही अच्छा रेड है सर, 6 नंबर रस्सी पहले ये तेरा बजरंग दल के टीम के मेंबर। शेरू ताली लगाने में सर हमारे पत्रकार मौजूद यहाँ पर पहुंच गया गोल्डन टाइम हरियाणा जो चौताले से चल के आए हम उनका यहाँ पर जिला आदरण मंडल उनका मोस्ट वेलकम करते हुए लगातार दो दिनों से अच्छी सेवाएं दे रहे हैं हमारे राजस्थान स्पोर्ट्स लाइव 24 राजस्थान लाइव 24 की अच्छी सेवाएं भाई चंद्र के नेतृत्व में लगातार घर बैठे मैच का लुक उठाते हुए घर बैठे में नई विदेशों में भी जैसे ऑस्ट्रेलिया से स्पेशल मैंने कल देखे थे बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट यहाँ पर लाइव पोस्ट देखने को मिले भाई चंद्र के नेतृत्व में। दर्शक देखते दिल की जो दर्शक देखे उधर बाजा है कबड्डी को
हेलो एक नंबर दो पे ओपन मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं। अमोक भाई वर्सेस जोधपुर ओपन मुकाबले पर ये टीम ओपन मैच के अंदर आए। उनका मुकाबला अभी कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा। ओपन नंबर एक पर दिनेश गैर वर्सेस बालक क्वार्टर फाइनल का मैच कोर्ट नंबर एक पे होगा। कोर्ट नंबर दो पे अनोख गैर वर्सेस जोधपुर। तो यहाँ नित्य राम जी जिसे लगाए कोर्ट नंबर दो पर नित्य राम अगर मेरी आवाज ना आए तो कोर्ट नंबर दो पे अनोख गैर वर्सेस जोधपुर की टीम को बुलाए ओपन वेट के अंदर और मैच शुरू करवाए। ओपन वेट के मुकाबले शुरू होने विक्रम जितने ट्रेडिशनल स्कोरर असिस्टेंट स्कोरर मुकाबला जबरदस्त टक्कर के साथ चलते हुए इस मैच के बाद गणेशगढ़ वर्सेस बालक गणेशगढ़ वर्सेस बालक टीमें कोर्ट में पहुंच गए क्योंकि 5-7 मिनट का मैच बाकी है। Thank you.
उमेशगढ़ वर्सेस दौलत, तुम्हें कोर्ट की तरफ प्रस्थान करें। उमेशगढ़ वर्सेस दौलत, नितुराम कोर नंबर 200 जिसे लगाए ओपन वेट के मैच शुरू कर रहे हैं। अनोख राशि जोधपुर संगर वर्सेज पीलीगंगा, जो टीमें पहले पहुंचती है इनमें से उनका मैच शुरू करवा दो। खिलाड़ियों से फिर हमारा आग्रह रहेगा कि आप समय को नहीं गवाए, समय की कीमत को पहचाने, क्योंकि समय कीमती है और हमारे क्लब के लिए तो एक एक क्षण कीमती है, क्योंकि जितने आप देरी करोगे हमारी मुश्किलें उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप देरी करोगे हमें रात का जो व्यवस्था करनी होगी लाइट की, जो खिलाड़ी दूर दराज से आए हैं उनको रहने के लिए और सारी सुविधाएं हमारे क्लब के सदस्यों पर से बहुत बाहर आ जाते हैं, तो आप समय को समय पहचानते हो। हमारे पड़ोसी गांव संतरा के लखवीर सिंह जी और बोगरी बहुत ही ये अच्छे इंसान है, इनको सिर्फ खेल से मतलब है, तो मैं कार्यकर्ता से अनुरोध उनको चाय और पानी की व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये हर साल इसी तरह रहते हैं लेकिन अनुशासित रहते हैं, तो अनुशासन जो हमें आगे ले जाती है। टाइम आउट लिया गया है, इस टाइम आउट में क्या स्कोर बताएं ताकि दर्शकों को पता लगे। 18 सिंगरा 9 मुकेरा, ये स्कोर है दोनों के लिए। गणेश गढ़ वर्सेस दौलत की टीमें कोर्ट में है, 5-4 मिनट का मैच बाकी है, लास्ट अंतिम 2 मिनट बाकी। ओपन वेट में मेघमय वर्सेस जोधपुर, संगर वर्सेस दिलगंगा, दौलत वर्सेस प्रदीप कोडू, एक एक खिलाड़ी हमें रिपोर्ट दे उनके मैच शुरू करवाने ओपन वेट में। बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर, शेरू 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 बल्ले 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 जोर बिना पट्टा विच थापियां बजदियां ने, हंकार ने रुतबा मूसे वाले दा, कर दो वीरे शेयर कर दो, वाह जी वाह। धर्मपाल भाई विपक्षी टीम ने भी बहुत जबरदस्त रेड रहा, धर्मपाल लीड की हड्डी है निश्चित रूप से, लगातार पॉइंट सीनियर खिलाड़ी सबसे जो स्टेट लेवल पे खेले, शेरू के धर्मपाल दी अंखिया लड़िया थे कुंडिया फसिया, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला सिंह।